हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी कोई बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, हम लोग जब सीरीज चल रहा है झारखंड जीके का 1500 क्वेश्चंस का, उसका हम लोग अभी तक 250 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 250 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, आज का वीडियो का जितना भी प्रश्न होगा, सारा प्रश्न दोस्तों मिट्टी एवं जलवायु से रिलेटेड होगा। ठीक है, आपको पता है हम लोग हर टॉपिक से तो 50 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग जो खत्म किए 250 क्वेश्चन, उसमें हम लोग अभी तक झारखंड का परिचय, झारखंड का इतिहास, झारखंड का आंदोलन, झारखंड का भौगोलिक अवस्थिति और झारखंड का अपवाह प्रणाली एवं नदियाँ के बारे में हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आज शुरुआत करते हैं मिट्टी एवं जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, आपके सामने दोस्तों प्रश्न हाजिर हो चुका है। प्रश्न क्या है आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला प्रश्न है, झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आप लोगों को बताना है झारखंड में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिएगा, अवशिष्ट मिट्टी। ठीक है, झारखंड में मुख्य रूप से अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए वाला, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, या तो आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप का लिंक भी हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, आइए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे। अगला है 152 नंबर, झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपादाय से निर्मित है। झारखंड में पाई जाने वाली मिट्टी निम्नलिखित में से किसके उपादाय से निर्मित है। तो सो यहाँ खनिजों, चट्टानों, ये दोनों से हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों उपयुक्त दोनों से, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 253 नंबर, देखो क्वेश्चन क्या है। 253 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है। बताना है झारखंड की मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट के अंश मिले होने के कारण यह किस रंग की दिखाई देती है। दोस्तों, ये लाल रंग की दिखाई देता है, लाल रंग ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, देखिए 254 254 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। बताना है झारखंड के विभिन्न हिस्सों में किन चट्टानों के कारण लाल मिट्टी कई रूपों में मिलती है। तो क्या ग्रेनाइट और नीस के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट है, दोनों के कारण होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट दोस्तों, आप लोग जैसे सीजीएल का, दरोगा का, झारखंड पुलिस का या झारखंड के शिक्षक का तैयारी अगर कर रहे हैं आप लोग, तो आप लोग दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि दोस्तों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम यहाँ पर ला रहे हैं आप लोगों के बीच, तो आप लोग क्या करेंगे, सभी को वीडियो को देख लेंगे, तो आपको दोस्तों झारखंड जीके के लिए तो आप बिंदास हो जाइए पूरा वीडियो देखने के बाद। ठीक है, इसमें हम आप लोग को करंट अफेयर का भी हम यहाँ पर कराएंगे, सब मिक्स कराएंगे आप लोग को। ठीक है, पहले टॉपिक वाइज हम लोग खत्म कर रहे थे झारखंड जीके, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर में भी आएंगे, है ना, उसके बाद मिक्स प्रश्न को भी हम कराएंगे, सब टाइप के प्रश्न यहाँ पर आप लोगों के बीच हम लाएंगे। तो आप लोग को सिर्फ दोस्तों वीडियो को डेली एक बार देखना है। चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन क्या है देखिए 255 नंबर। दोस्तों, आप लोग वीडियो को बहुत कम कोई लाइक करते हैं, आप लोग सभी को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, आइए आते हैं 255 नंबर, झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है। देखो ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि झारखंड में पाए जाने वाली मिट्टियों में विषमता निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग भी चार ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, दोस्तों इसका आंसर नमी हो जाएगा। ठीक है, नमी, ऑप्शन नंबर सी वाला। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला में, क्वेश्चन नंबर अगला है 256 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। बताना है निम्नलिखित में से किस जिले की अधिकांश जगह की मिट्टी लाल रंग की मिलती है। दोस्तों, रांची, हजारीबाग, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, गोड्डा, दुमका, सभी जगह पे दोस्तों लगभग लगभग लाल मिट्टी अधिकतम पाया जाता है
है ना, न्यूब्रुक सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है अगला प्रश्न, जो कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। चलिए बताइए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अभ्रक मूल रूप से लाल मिट्टी नहीं मिलती है। मूल रूप से लाल मिट्टी नहीं मिलती पूछा है दोस्तों, अभ्रक मूल मिट्टी नहीं मिलती है, ठीक है दोस्तों। झुमरी तिलिया में मिलता है, कोडरमा बड़का गांव सब क्षेत्र में मिलता है अभ्रक का मूल मिट्टी, बट चतरा तरफ नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, क्यों नहीं पूछते यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और अगला है 258 नंबर, छोटानागपुर के मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है। छोटानागपुर में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टी मिलती है, तो है क्या 6 प्रकार का, ठीक है। यानी झारखंड में टोटल 6 प्रकार का मिट्टी मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला है झारखंड में मिलने वाली लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाती है। लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी कमी पाई जाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन का कमी तो रहता ही है, फास्फोरस का भी रहता है और ह्यूमस का भी रहता है, तीनों चीज़ें कमी रहता है, इन उपयोग सभी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न आप लोग बीच है 260 नंबर, ठीक है। 260 नंबर प्रश्न क्या है, लाल मिट्टी में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है। लाल मिट्टी में किस फसल की खेती किया जाता है, तो ज्वार बाजरा का तो किया जाता है दोस्तों, सरगुंजा किया जाता है आप लोग, सरगुंजा आजकल बहुत कम खेती होता है लेकिन आप लोग देखे होंगे सरगुंजा का भी खेती किया जाता है, ठीक है। कोंदो का भी किया जाता है दोस्तों, देखिए यहाँ पर कोंदो भी दिया हुआ है, यानी कोंदो का भी किया जाता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। कोंदो का भी किया जाता है, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए 261 नंबर, देखिए प्रश्न क्या, निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछ रहा है। इस मिट्टी में अभ्रक के छोटे छोटे कण चमकते रहते हैं, बिल्कुल सही, ये तो विशेषता है। अभ्रक का जो मिट्टी रहेगा, मिक्स रहेगा, उसमें देखिएगा छोटा छोटा कण चमकते रहेगा, ठीक है। इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी तथा पीला रंग का होता है, ये भी सही है। यह मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, नहीं, पानी की अधिकता इसमें नहीं होता है, ठीक है, ये गलत दिया हुआ, अधिकता यहाँ पर दे दिया है, गलत दिया हुआ है। अच्छा आगे देख लेते हैं, यह मिट्टी सामान्य तो उपजाऊ होती है, बिल्कुल सही है, यानी ऊपर सी वाला गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 262 नंबर क्वेश्चन, 262 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है। झारखंड में मिलने वाली रेतीली मिट्टी की विशेषता नहीं है, यह मिट्टी लालिमा युक्त धूसर तथा पीली होती है, तो बिल्कुल सही है। इस मिट्टी में काफ़ी उर्वरा शक्ति होती है, रेतीली मिट्टी उर्वरा होती है, आप लोग क्या लगता है, जहाँ पर पूरा बलुई मिट्टी होता है रेतीला टाइप का, उसमें अधिक उर्वरा शक्ति होता है, इतना ही लगता है मुझे, ठीक है, ये इतना ही लगता है। अच्छा और देख लेते हैं, फिलहाल सीम देख लेते हैं, यह मिट्टी मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त मानी जाती है, हाँ बिल्कुल सही है, मोटे अनाज खेती किया जाता है। इस मिट्टी का विस्तार दामोदर घाटी क्षेत्र पर है, बिल्कुल सही है, नदी के साइड में दोस्तों बलुई मिट्टी मिलता है, ठीक है, यानी ए सी डी दोस्तों सही है, ठीक है। ये काफ़ी उर्वरा काफ़ी नहीं होता है, होता है बट काफ़ी मतलब ज़्यादा नहीं होता है, यानी आप इसको बी वाला का सही मान सकते हैं, कि विशेषता नहीं मान सकते, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अगला प्रश्न पे, और अगला प्रश्न है 263 नंबर, देखिए 263 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के बीच, झारखंड में सुदूर सिंहभूम क्षेत्र में विभिन्न मूल की चट्टानों के अवशेषों से निर्मित मिट्टी मिलती है। इस मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों देखिएगा, जातीय मिट्टी के नाम से जाना जाता है, जातीय मिट्टी, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं 264 नंबर क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन काली रेगुर मिट्टी की विशेषता नहीं है, कौन नहीं दोस्तों, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से दोस्तों जो हो जाएगा इसका राइट आंसर, विशेषता नहीं है पूछा ना, यह मिट्टी राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में विस्तृत है, बिल्कुल सही है, काली मिट्टी उधर मिलता है। इस मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी या लावा के प्रवाह से हुआ है, बिल्कुल सही है। इस मिट्टी का रंग काला और भूरा है, जब काली क्वेश्चन में जाए तो काला तो जरूर होगा, ये भी सही है। इस मिट्टी के कंकड़ की मात्रा मिलती है, नहीं कंकड़ की मात्रा नहीं मिलेगा उतना इसमें, यानी डी वाला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सभी को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा,
ठीक है। और आप सभी कोई कोशिश कीजिएगा कि टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो मेरा व्हाट्सअप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सअप का लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, नहीं तो आपको हम नंबर भी यहाँ पर शेयर कर देते हैं। नंबर है 80 84 84 62 63, ठीक है, 62 63। अब इसमें मैसेज भी कर सकते हैं जिसमें हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, ठीक है। इसमें कॉल नहीं भी लग सकता है, ठीक है, कॉल आपको करना नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, मैसेज करना है व्हाट्सएप में, ठीक है, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। चलिए हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 265 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पानी पड़ने पर अत्यंत लसलसी तथा अपारगम्य हो जाती है और पैरों में चिपकने लगती है, वो कौन सी मिट्टी होता है दोस्तों? क्या देखिएगा, वो जो मिट्टी है पैरों में चिपकने लगती है ना, लेटराइट मिट्टी तो उतना नहीं चिपकता है, रेतली मिट्टी तो और नहीं चिपकेगा। चल आगे ऑप्शन में क्या है, विषम जातीय मिट्टी, ये भी नहीं चिपकता है। हाँ, काली रेगुर मिट्टी चिपकता है बहुत ज़्यादा पैर में, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पैर में चिपकेगा ये मिट्टी, काली रेगुर मिट्टी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं अगला प्रश्न पे, 266 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के क्रमिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों से हुआ है, किस मिट्टी का? तो वो है लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अगला प्रश्न है 267। निम्नलिखित में से किस मिट्टी में लौह लौह चूना मैग्नीशियम तथा एलुमिना का मिश्रण पाया जाता है? लौह चूना मैग्नीशियम तथा एलुमिना का मिश्रण पाया जाता है किस मिट्टी में? दोस्तों देखिएगा, काली रेगुर मिट्टी में पाया जाता है, काली रेगुर मिट्टी ऑप्शन नंबर जो है इस क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड के लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मिट्टी का क्षेत्र नहीं है, ठीक है, वो कौन सा क्षेत्र है? तो वह है दामोदर तथा स्वरेखा नदी घाटी, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 269। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है? कौन सी मिट्टी दोस्तों सर्वाधिक उपजाऊ होता है? तो आप लोग बताए दोस्तों, वो मिट्टी है काली या रेगुर मिट्टी, ठीक है, काली या रेगुर मिट्टी दोस्तों ये सबसे अधिक उपजाऊ होता है। काली मिट्टी दोस्तों कपास के लिए काफ़ी फेमस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है 270 नंबर क्वेश्चन, और 270 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है? किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है तो बताना है आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। झारखंड की निम्नलिखित में से किस मिट्टी में चावल तथा चने की अच्छी खेती होती है, कौन सा मिट्टी में? तो मिट्टी दोस्तों काली तथा रेगुर मिट्टी हो जाएगा इसमें भी, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 271 नंबर, छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? छोटा नागपुर की जलवायु मुख्यतः निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो दोस्तों मानसून से, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 272 नंबर, झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? झारखंड की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? दोस्तों वो हो जाएगा उष्ण मानसूनी, उष्ण मानसूनी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है 273 नंबर, झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? झारखंड की अधिकांश वर्षा निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? दोस्तों ये रखिएगा, बंगाल की खाड़ी के मानसून से, ऑप्शन नंबर पहला राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 274 नंबर, थार्नोवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? किसके अंतर्गत आता है? तो यह क्या C-AW के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है
175 नंबर क्वेश्चन, 175 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? ये नहीं, ये नहीं, ये भी नहीं, आगे क्या है? हाँ, डी के अंतर्गत, इसके अंतर्गत आ जाएगा ना, सी डब्ल्यू जी और सी डब्ल्यू के अंतर्गत आता है। अगला है 176 नंबर क्वेश्चन, तिवारथा के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झारखंड का अधिकतर क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है, किसके अंतर्गत आता है? तो देखिएगा, सी ए डब्ल्यू और ए डब्ल्यू के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मिट्टी एवं जलवायु से हम लोग अभी तक 26 प्रश्नों कवर कर चुके हैं, ठीक है, और जो बच गया है 24 प्रश्न दोस्तों, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तब लोग वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर बताइएगा, और आप लोग कितना हेल्पफुल हो रहा है वीडियो, हम जो वीडियो बनाते हैं वो भी आप लोग दोस्तों सभी को कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय।